नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वाति सिंह। अगर आप मैनकाइंड फार्मा के आईपीओ में निवेश करना चाहते हैं तो यह आपके लिए आखिरी मौका है। निवेशक केवल 27 अप्रैल 2023 गुरुवार तक ही इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं। इकोनॉमिक टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आईपीओ खुलने के तीसरे और आखिरी दिन तक गैर संस्थागत निवेशक NIIS का कोटा 1.34 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। वहीं संस्थागत निवेशकों के रिजर्व कोटे की बात करें तो ये 5.68 गुना तक सब्सक्राइब हुआ है। वहीं अब तक रिटेल निवेशकों ने इस आईपीओ में कुछ खास दिलचस्पी नहीं दिखाई है। उनका कोटा केवल 37% तक ही सब्सक्राइब हुआ है। ऐसे में ये आईपीओ को कुल 2.08 गुना तक सब्सक्राइब किया गया। मैनुअल आपको बता दें कि साफ तौर पर मैनकाइंड फार्मा का आईपीओ पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल पर आधारित है। इस आईपीओ के जरिए कंपनी कुल लगभग 4,326.36 करोड़ रुपए जुटाने की कोशिश कर रही है। इस आईपीओ का प्राइस बैंड 1024 से लेकर 1080 रुपीस तक का रखा गया है। आईपीओ में निवेशक एक बार में 13 शेयर्स के एक लॉट के लिए आवेदन कर सकते हैं। आईपीओ के प्रीमियम की बात की जाए तो ये अनलिस्टेड मार्केट में लगभग 65 रुपीस का प्रीमियम देने की उम्मीद है। इससे पहले कल तक उम्मीद जताई जा रही थी कि ये 90 रुपीस तक का प्रीमियम देगा। मैनकाइंड फार्मा ने 77 एंकर निवेशकों को 1,297 करोड़ रुपए 1.2 करोड़ शेयर जारी किए हैं। साफ तौर पर गोल्डमैन सैक्स और सिंगापुर सरकार, कनाडा पेंशन प्लान, फिडिलिटी इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट आदि जैसी कई विदेशी संस्थानों ने एंकर राउंड में निवेश किया है। इस आईपीओ में कंपनी ने 50% क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स पर 15% HNI और 35% शेयर रिटेल निवेशकों के लिए कोटा रिजर्व किया है। वहीं आपको बता दें कि मैनकाइंड फॉर्म के शेयर्स की लिस्टिंग बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दोनों में की जाएगी। कंपनी इस आईपीओ के जरिए कुल 4,326.36 करोड़ रुपीस जुटाने की पूरी कोशिश करेगी। इस आईपीओ की ओपनिंग 25 अप्रैल 2023 को ही हुई थी, जो आज यानी कि 27 अप्रैल 2023 को खत्म हो जाएगी। शेयर की लिस्टिंग 9 मई 2022 को होगी। जी हाँ, ऐसे ही तमाम अपडेट के लिए आप हमारे साथ बने रहे और देखते रहे इंडिया न्यूज़। धन्यवाद।